हेलो गाइस, तो अपन कंप्लीट कर चुके हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के टाइप वगैरह, उसके नोमेनक्लेचर। अब देखेंगे कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है कितने बनते हैं, किसी कंपाउंड में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, वो एक ट्रिक के माध्यम से भी बताया जाएगा, एक फॉर्मूले के माध्यम से आपको बिल्कुल डायरेक्ट बिल्कुल सिंपल वे में बताया जाएगा। ठीक है, कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर अपन निकालते हैं, किसी कंपाउंड के सममित कंपाउंड के कैसे निकालते हैं, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कंपाउंड के कैसे निकालते हैं, वो सारी बातें अपन इस लेक्चर में करने वाले हैं। वो सारे कंपाउंड्स के अपन एग्जांपल्स जो पीवाईक्यू आए हुए हैं उन सभी को भी देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपन नंबर ऑफ जीआई। तो देखो, सिमेट्रिकल कंपाउंड की अलग ट्रिक बताऊंगा और अनसिमेट्रिकल कंपाउंड की सिंपल अलग ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, बहुत सिंपल ट्रिक है। पहले बात करते हैं अपन अनसिमेट्रिकल कंपाउंड। देखो, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड मतलब डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके दोनों ओर अगर अलग अलग टाइप के ग्रुप लगे हुए हो, ग्रुप का मतलब है कि इधर CH3 लगा हुआ है, इधर CH डबल बॉन्ड CH2 लगा हुआ है, तो दोनों डिफरेंट हो गए, यानी अनसिमेट्रिकल हो वो कंपाउंड। अनसिमेट्रिकल हो तो ये रूल लगाएंगे कि नंबर ऑफ जीआई बराबर 2n। ठीक है, अब देखो समझाता हूं ये क्या चीज है। देखो, अगर कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है, यहां पे अनसिमेट्रिकल है, तो जो नंबर ऑफ जीआई है वो होंगे 2n। यहां पे जो n है, ये n है वो है कि जो कितने डबल बॉन्ड उस कंपाउंड में जीआई शो कर रहे हैं। तो अपन एन के लिए लिख सकते हैं नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स दे शो जीआई इन कंपाउंड, यानी कितने डबल बॉन्ड कंपाउंड में जीआई शो कर रहे हैं वो एन होंगे, और उस 2n करते ही नंबर ऑफ जीआई आपके पास आ जाएंगे अनसिमेट्रिकल कंपाउंड के। बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, इसको यूज करोगे नंबर ऑफ जीआई निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं कुछ एग्जांपल से, कैसे अपन एग्जांपल लेते हैं उसमें देखेंगे कि एन कैसे निकालते हैं, यानी कितने डबल बॉन्ड है जो जीआई शो कर रहे हैं, पहले तो वो देखना होता है। यहां पे 3-4 एग्जांपल मैंने लिख रखे हैं, एक एक को समझाऊंगा, आराम से समझाऊंगा। ठीक है, अपन बात करते हैं एग्जांपल्स की। पहला एग्जांपल है आपके पास जैसे CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C2H5, ये कंपाउंड है। पहले देखो इस कंपाउंड में कहां कहां जीआई शो हो रही है। जीआई शो होने के लिए क्या था कि डबल बॉन्ड है, उसके जो कार्बन है वहां पे जो हाइड्रोजन एटम या कोई भी दो ग्रुप लगे हुए हैं वो सेम नहीं, अलग अलग होने चाहिए। एक कार्बन या एक एटम पे जो ग्रुप लगे हुए हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। ये बात यहां पे देखो, जीआई यहां पे शो हो सकता है, यहां पे हो सकता है। अब देखो, यहां पे एक हाइड्रोजन है, दूसरा C2H5 है, यहां पे एक हाइड्रोजन दूसरा CH3, यानी दोनों डिफरेंट है ना। अगर डिफरेंट है तो यहां पे जीआई शो होगी, तो एक तो डबल बॉन्ड ए और दूसरा डबल बॉन्ड ए, तो एन बराबर कितने हो गए, एन बराबर 2। तो यहां पे अपन लिखे नंबर ऑफ जीआई क्या होता है, 2n। अगर 2 करते हैं तो यहां पे कितना आता है, 4। 2 कितना होता है, 4। तो इसके इस कंपाउंड के जीआई कितने बनेंगे, 4 जीआई बनेंगे। कुछ भी करके बना के देख लो, 4 जीआई बनेंगे, 4 के अलावा नहीं बनेंगे। ओके, ये बात हुई क्लियर। कैसे बनेंगे वो बताऊं, एक बार इस हाइड्रोजन को ऊपर कर दो, एक बार नीचे कर दो, एक हो गया। दूसरा एच और ये पूरा ग्रुप, इसको ऊपर नीचे करो, फिर यहां से एक बार इसको, एक बार इसको, 4 हो गए, 4 बार हो गए, 4 जीआई बन जाएंगे। ठीक है, और सिंपल ट्रिक है, 2n से अपन निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। ओके, क्लियर। चलो एक एग्जांपल और करते हैं, जैसे आपके पास है CH3CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में देखो कि जहां पे जीआई शो रहा है, कहां कहां पे जीआई शो हो रहा है। देखो, एक तो यहां पे हो सकता है या यहां पे हो सकता है। अब यहां पे तो एक हाइड्रोजन है और दूसरा CH3 है, दोनों ग्रुप
डिफरेंट हो गया। यहां पे देखो भाई, इस कंपाउंड में अलग वाले में यहां पे दोनों हाइड्रोजन है, तो यहां पे जीआई शो नहीं होगा। तो यहां पे एक ही जगह जीआई शो होगा, एक जगह जीआई शो होगा, तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड वेयर शो जीआई, दे शो जीआई। तो कहां पे जीआई शो हो रहा है, कितने जीआई शो कर रहे हैं, एक जीआई शो हो रहा है। कितने डबल बॉन्ड है यहां पे, एक डबल बॉन्ड है, तो एन का मान एक हो गया। ठीक है, तो वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ जीआई बराबर 2 की पावर n, यहां पे लिख दें नंबर ऑफ जीआई इज इक्वल 2 की पावर n, और 2 की पावर n यानी 2 की पावर 1 बराबर 2। अब देखो ये सब अनसिमेट्रिकल कंपाउंड के लिए, ये देखो ये कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है, ये कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिकल कंपाउंड आता है ना, उसकी ट्रिक अलग बताऊंगा। ठीक है, अगर अनसिमेट्रिकल कंपाउंड आ रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से, ये कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है ना भाई, देखो इस कंपाउंड को देखो, यहां पे देखो इसको, ये देखो दोनों अलग अलग टाइप के हैं ना साइड में, ये अनसिमेट्रिकल है। इस कंपाउंड को देखो यहां पे, ये देखो अलग अलग है, अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल देख लो, अनसिमेट्रिकल है तो 2 की पावर n फॉर्मूला लगा दो नंबर ऑफ जीआई के लिए। ठीक है, और एग्जांपल कराता हूं, समझ में आ जाएगा, बहुत सारे एग्जांपल कराऊंगा, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत बात नहीं है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई ना, यहां तक जितने एग्जांपल बता रहा हूं सारे एग्जांपल करते जाओ। ठीक है, एन का मान क्या होता है कि जो कंपाउंड है आपके पास उसमें जीआई शो करने वाले कितने डबल बॉन्ड है, वही एन हो गया। मतलब कितने डबल बॉन्ड शो कर रहे हैं जीआई, वही एन का मान हो गया ना, तो एन का मान 2 की पावर n, वो नंबर ऑफ जीआई निकला के आ जाते हैं आपके पास। ठीक है, तो अगर एग्जांपल बात करें अपन, एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे है कंपाउंड आपके पास CH3CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड फिर CH फिर CH फिर डबल बॉन्ड CH और फिर CL। अब यहां पे बताओ कितने डबल बॉन्ड है जो जीआई शो कर रहे हैं। देखो यहां पे जीआई शो हो सकता है क्या, हाँ यहां पे जीआई शो होगा। ओके, यहां पे देखो, यहां पे भी होगा, दो नंबर पे भी होगा, इस पे देखो इस पे भी होगा, क्योंकि यहां पे एक हाइड्रोजन है और दूसरा सीएल है। ओके, यानी ये कैसे बनता है, एक हाइड्रोजन ये लगा दिया सीएल, ये सी, यहां पे एच और यहां पे पूरा ग्रुप, तो इस प्रकार का ही बन गया ना ये कंपाउंड, तो जीआई शो करेगा। ओके, तो एन का मान कितना हुआ भाई यहां पे, एन मतलब एक जगह, दो जगह, तीन जगह, तीनों जगह से डबल बॉन्ड है जो जीआई शो कर रहे हैं, तो एन बराबर 3। तो अपन लिख सकते हैं नंबर ऑफ जीआई कितना होता है 2 की पावर n, 2 की पावर 3 कितना हो गया बोलो, 8। ओके, तो ये हो गए नंबर ऑफ जीआई इसके। ओके, ये बात हुई क्लियर। अब देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं, आपको पुरानी चीजें याद है कि नहीं है, मैंने पहले जीआई पढ़ाया था, उसमें कुछ लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, वो वाला वो आपको याद है या नहीं है। ये कंपाउंड है आपके पास, मानो इस कंपाउंड में आपको नंबर हो जीआई शो करने हैं। अब देखो क्या ये अनसिमेट्रिकल है, हाँ भाई सिमेट्री कहां से दिख रही है इस कंपाउंड में, सिमेट्री नहीं है, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है। ठीक है, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है तो इसके लिए नंबर ऑफ जीआई का फॉर्मूला यानी 2 की पावर n होगा, n यानी कितने डबल बॉन्ड है जो जीआई शो कर रहे हैं। अब कितने डबल बॉन्ड जीआई शो कर रहे हैं, क्या ये कर रहा है या ये कर रहा है, मैंने एक चीज बताई थी कि C3 से लेके C7 तक, C3 से लेके जो 7 कार्बन तक की रिंग है उसमें डबल बॉन्ड जीआई शो नहीं करता, तो ये 6 कार्बन की रिंग है और इसमें डबल बॉन्ड है, ये जीआई शो नहीं करेगा, तो ये वाला तो शो नहीं कर रहा है जीआई, यहां पे ये शो कर रहा है, तो एन बराबर कितना हो गया, एक डबल बॉन्ड ही शो करता है ये वाला। ओके, अरे वो चीज याद करो, जीआई में बताया नहीं था आपको कि 3 कार्बन की चेन से लेके 7 कार्बन की चेन, यानी 3 4 5 6 7 इतने कार्बन की चेन हो और उसमें डबल बॉन्ड हो तो वो भाई कतई जीआई शो नहीं करेगा। ठीक है, ओके, अरे टोर्सन स्ट्रेन आ जाती है ना उसमें, चल ठीक है, वो वहां पे बता चुका मैं, ट्रांस से ट्रांस बनाते हैं, जब मैं टोर्सन आ जाएगा तो वो टूट जाएगी। ओके, वो बात थी, इसमें क्यों नहीं बनाता, ये कारण था उसका।
ये देखो n बराबर 1 हो गया इसमें, ओके तो नंबर ऑफ जीआई कितने हो गए 2 की पावर 1, तो कितने हो गए 2। एक कंपाउंड और है जैसे आपके पास ये है, यहां पे 1 2 3 4 5 6 डबल बोंड डबल बोंड डबल बोंड और एक यहां पे ये डबल बोंड, ठीक है। अब क्या इस कंपाउंड में आप बता सकते हो कितने जीआई शो करेंगे? पहली बात, कितने डबल बोंड जीआई शो कर रहे हैं? ये वाला नहीं कर रहा, यानी C3 से लेके C7 तक की रिंग आ जाए ना और उसमें डबल बोंड हो तो वो डबल बोंड शो नहीं करता है, यहां पे नहीं करेगा। ये शो कर रहा है, ये शो कर रहा है, ये नहीं करेगा। ये क्यों नहीं कर रहा है? यहां पे देखो दोनों दो हाइड्रोजन है और एक जो कार्बन है उस पर दोनों जो ग्रुप लगे हुए हैं वो सेम हो गए तो जीआई शो नहीं करता। यहां इसका मतलब एन का मान यहां पे कितना हो गया 2, तो 2 की पावर 2 बराबर 4, यहां पे कितने जीआई शो होंगे 4 जीआई शो होंगे। तो ये देखो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड का मैंने बता दिया आपको, अब सिमेट्रिकल कंपाउंड का भी बताऊंगा इसके बाद, ठीक है। तो यहां तक ये कंप्लीट आप उतारे इसे। देखो जो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है उसके लिए ये फॉर्मूला याद रखो, नंबर ऑफ जीआई बराबर 2 की पावर n, ओके क्लियर हुआ ये बात, ठीक है, थैंक यू। अब देखते हैं इसके बाद में किसके लिए, अनसिमेट्रिकल के लिए देख लिया, सिमेट्रिकल कंपाउंड्स के लिए। अब सिमेट्रिकल में दो कंडीशन आएगी, इवन और ओड वाली, वो देखते हैं अपन कैसे। पहले इसे कॉपी करो, नंबर ऑफ जीआई में अगर आपके पास जो कंपाउंड दिया हुआ है वो कंपाउंड सिमेट्रिकल हो तब दो कंडीशन हो सकती है। देखो कंपाउंड सिमेट्रिकल कैसे होगा, जैसे आपके पास कंपाउंड में लिखता हूं एक एग्जांपल, CH3 यहां पे एक है, CH डबल बॉन्ड CH यहां पे CH3, तो इस कंपाउंड को देखो क्या आपको ये सिमेट्रिकल दिख रहा है ना, ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है, ओके तो ऐसे कंपाउंड सिमेट्रिकल कंपाउंड होंगे। तो अगर ऐसे कंपाउंड आ जाए जो सिमेट्रिकल हो तो उसके लिए दो कंडीशन होगी, यहां पे क्या होगा जो n का मान है, जो n का मान, n क्या है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड दे शो जीआई, यानी जो डबल बॉन्ड की नंबर है वो जीआई शो करने वाले, जीआई शो करने वाले डबल बॉन्ड। अब वो डबल बॉन्ड अगर सम संख्या में है, इवन में है या ओड में है, देखो इवन का मतलब सम, यानी 2 है 4 है 6 है ऐसे, ओड में 1 3 एंड 5 7 कुछ इस प्रकार से है, तो दो कंडीशन बनेगी इसकी, एक तो इवन वाले के लिए अलग फॉर्मूला होगा और ओड वाले के लिए अलग फॉर्मूला होगा। जो ओड वाला है उसके लिए अलग फॉर्मूला, इवन वाले के लिए अलग फॉर्मूला। एन का मान इवन आए तब अलग यूज करना है, ओड आए तब अलग यूज करना है, तो इवन आए तब क्या यूज करोगे, तो नंबर ऑफ जीआई, नंबर ऑफ जीआई क्या होगा फॉर्मूला इसके लिए, 2 की पावर n-1 होगा, ये दोनों में सेम रहेगा 2 की पावर n-1। अगर इवन आता है तो 2 की पावर + में लगा के आपको लिखना है n/2-1, ठीक है, ये चीज इसमें करनी है इवन वाले में। अगर आपके पास ओड आ जाए, विषम में ये आ जाए एन का मान, यानी जो डबल बॉन्ड है वो जीआई शो करने वाले, वो अगर विषम संख्या में आ रहे हैं, ठीक है, एन का मान, तो आप क्या यूज करोगे, 2 की पावर n-1 तो सेम रखना है, प्लस आपको क्या करना है 2 की पावर n/2, है ना, इसको ऐसे यूज नहीं करना है, इसको कैसे यूज करोगे, n-1/2 इस प्रकार लिख देना है बस, ठीक है, ये फॉर्मूला ये हो गया। इसमें n/2 है, इसमें n-1/2 है, ठीक है, ये डिफरेंस है बस, कहां डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस यहां पे है, ये इतना सा डिफरेंस है। अगर ये है ओड आए तब ये फॉर्मूला यूज करना है और जो इवन आए तब ये फॉर्मूला यूज करना है। कैसे यूज करना है एग्जाम्पल से भी बताऊंगा आपको सारी चीजें, ठीक है। इसके लिए पहले ये लिखा हुआ है, इसे नोट करो आप, ये समझा दिया, अब नोट करें आप उसे।
फॉर्मूला में क्या बताया मैंने, मेरी बात सुनो, फॉर्मूला में बताया क्या है मैंने यहां पे, अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो एन का मान है वो सम भी हो सकता है, यानी इवन हो सकता है या विषम हो सकता है, ओड हो सकता है। सम होगा तो नंबर ऑफ जीआई का जो फॉर्मूला है वो ये होगा, इस फॉर्मूले में एन की वैल्यू रख के मान निकालना है। अगर विषम होगा, ओड होगा, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं आप, जैसे CH3 बोन CH डबल बोन CH बोन CH3, ये वाला एग्जाम्पल ले लिया अपन ने। ये क्या आपको सिमेट्रिकल दिख रहा है? हाँ, ये सिमेट्रिकल है। तो इसमें नंबर ऑफ डबल बोन देखो, जो GI शो कर रहे हैं तो एक ही है, ठीक है। अब एक देखो, N का मान कितना आया, N बराबर एक, N बराबर एक यानी ओड आ गया, विषम आ गया। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे, नंबर ऑफ GI, फॉर्मूला लिखो नंबर ऑफ GI, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1/2। ये ओड के लिए यूज होता है, ठीक है। अब n का वैल्यू लग दो यहां पे, 2 की पावर, n का मान 1 है तो 1-1 प्लस 2 की पावर 1-1/2, ये आ गया, ठीक है। 2 की पावर ये कितना हो गया, 0, 1-1 कितना होता है, 0, और किसी भी चीज की पावर 0 आ जाती है उसका 1 की वैल्यू कितना होता है, 1 हो जाता है। तो 1 प्लस, अब यहां पे देखो 2, 1-1 कितना हो गया, 0, 0/2 0, तो 2 की पावर 0 कितनी हो गई, 1, तो ठीक है, तो ये आ गया 2, ठीक है। तो इसमें आप देखो यहां पे आपका जो आंसर है वो कितना आ गया, 2 आ गया, ओके। अरे नहीं समझ में आया, n का मान निकाल लिया, अब n का मान निकाल के ये फॉर्मूला पुट करो, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो n का मान की, n-1, n का मान कितना है, 1, 1-1 कितना होता है, 0, और किसी भी चीज की पावर 0 कर दोगे ना आप, 10 की पावर 0 कर दो तो भी वो 1 नहीं आएगा, 5 की पावर 0 1 आता है, किसी भी चीज की पावर 0 करो वो 1 आएगा उसका वैल्यू, ठीक है। ये चीज हो गया, तो यहां पे इसकी पावर 0 तो 1, इसकी पावर 0 तो 1, तो 1-1 प्लस ये 2 हो गया, ओके, आंसर आ गया आपका 2। यानी कितने जीआई शो करेगा ये कंपाउंड, 2 जीआई शो करेगा। अब देखो जो इवन का एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि ओड वाला एग्जाम्पल हो गया, इवन वाला एग्जाम्पल यहां पे लिखा हुआ है, इस एग्जाम्पल को देखो आराम से, देखो बड़े आराम से बनाते हैं इसे। जैसे कंपाउंड है CH3 बोन CH डबल बोन CH बोन CH डबल बोन फिर CH फिर ये CH3। अब देखो ये जो कंपाउंड है इसमें GI कहां कहां शो हो रही है, यहां पे और यहां पे, 1-2 दोनों जगह GI शो हो रही है, ओके, क्लियर बात। तो n का वैल्यू कितना हो गया, n-2 आ गया। अब n-2 है तो ये क्या है, ये है इवन, और इवन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1, ओके। तो फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ जीआई बराबर 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1, ये चीज। अब इसमें जो n है उसकी वैल्यू रख दो, n की वैल्यू रखो 2 की पावर n-1 यानी 2-1 प्लस 2 की पावर n/2 यानी 2/2-1। अब देखो सोल्व करो इसको, 2 की पावर n-1 यानी 2-1 कितना हो गया, 1, तो 2 की पावर 1 हो गया प्लस, अच्छी तरीके से लिख देते हैं इसे, ये 2 की पावर 1 हो गया प्लस ये कितना है, 2 की पावर, ये देखो 2/2 1-1, 1-1 कितना हो गया, 0, ठीक है। 2 की पावर 1 कितना हो गया, 2 प्लस किसी की पावर 0 हो जाए तो उसे कितना लिखेंगे आप, 1, तो ये आंसर आ गया 3, ओके। तो ये कितने नंबर ऑफ जीआई शो करेगा, ये 3 नंबर ऑफ जीआई शो करेगा कंपाउंड, ओके। तो बेटा देखो इसमें करना क्या है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल वैसे कंपाउंडों को देख लो आप। अगर अनसिमेट्रिकल है आपके पास कंपाउंड तो आप 2 की पावर n लगा के नंबर ऑफ जीआई निकाल लो। अगर आपके पास कंपाउंड सिमेट्रिकल है तब देखो आप n का नंबर, जो n है यानी जो डबल बॉन्ड है, जो जीआई शो करने वाले डबल बॉन्ड है, वो सम है या विषम है, यानी इवन है या ओड है,
अगर सम इवन है तो आप अलग फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। अगर ओड है, विषम है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सम इवन के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ जी आई बराबर 2n-1 प्लस, अगर इवन है तो 2n/2-1 कर दो, अगर ओड है तो वहां पे क्या करोगे n-1/2। यानी डिफरेंस कहां पे है इन दोनों फॉर्मूलों में, यहां पे देखो ये डिफरेंस है बस। ओड के लिए ये करना है और इवन के लिए आपको ये करना है। तो ये हुआ आपका नंबर ऑफ जी आई वाला, बिल्कुल ट्रिक। और तीन फॉर्मूले हैं इसमें, तीन ही फॉर्मूले हैं। देखो फॉर्मूले दोबारा बता देता हूं, एक फॉर्मूला और लिख देते हैं अपन, जो अपन ने अनसिमेट्रिकल के लिए लिखा था वो यहां पे तीनों एक ही पेज में हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। देखो अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल हो, अनसिमेट्रिकल हो तो क्या यूज करेंगे, नंबर ऑफ जी आई बराबर 2n। और यहां पे देखो जो 2n है, n का मतलब क्या होता है कि ऐसे डबल बॉन्ड जो जी आई शो कर रहे हैं, तो सभी के लिए लिख दूं यहां पे n का मान क्या होता है, n क्या होते हैं, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड दे शो जी आई। देखो कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड हैं जो जी आई शो कर रहे हैं, वही तो एन का वैल्यू है। यहां पे भी वही है, यहां पे भी वही है, एन यहां पे भी वही है, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले से नंबर ऑफ जी आई आप निकाल पाओगे। अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है तो ये फॉर्मूला लगाओ, सिमेट्रिकल कंपाउंड है तो ये फॉर्मूले लगाओ, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।